हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं मनोज किसान ब्लॉग्स। तो आइए दोस्तों, आज चलते हैं। मैं क्या काम करता हूँ वो आप लोगों को दिखाऊंगा। और टी गार्डन का फैक्ट्री में मैं काम करता हूँ, तो टी गार्डन का फैक्ट्री भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और वहाँ पे क्या क्या चीज़ है और क्या क्या होता है और मैं क्या काम करता हूँ वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी। तो आइए वीडियो में बने रहिए। तो चलते हैं फैक्ट्री घूमने, टी गार्डन फैक्ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, मैं फाइनली फैक्ट्री पहुंच चुका हूं। तो ये हम लोग का सिक्योरिटी गार्ड है। यहां हम मेरा नाम लिखाना पड़ेगा, मनोज किसान, मनोज के। तो फ्रेंड्स, मैं फाइनली मेरा नाम लिखवा लिया, गेट में एंट्री हो गया। तो अभी आगे जा रहा हूँ, देखते हैं। हम लोगों का फैक्ट्री है, ये देखिए हम लोगों का फैक्ट्री का नज़ारा। हम लोगों का यहाँ भी काम चल रहा है फिलहाल। ठीक है, देखिए काम चल रहा है यहाँ। तो हम लोगों का फैक्ट्री का घुसने का अंदर का रास्ता है, ये दरवाज़ा है। तो अभी हम लोग अंदर घुस चुके हैं। मैं जो भी कैटेगरी में, जो भी डिपार्टमेंट में काम करता हूं, उसी का काम दिखाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, तो फिलहाल ये पत्ती जो चाय पत्ती काटता है, सीटीसी बोलता है इसको, सीटीसी मशीन। ठीक है, अभी यहां पूरा काम चल रहा है, देखिए बहुत वर्कर लोग काम में लगा हुआ है। ये देखिए, अभी ये सीटीसी का बेल्ट फिटिंग हो रहा है। ये फिटर डिपार्टमेंट का काम है, ये लोग पूरा काम जोरों शोरों से कर रहा है। सन हो गया है, इसको इसका काम ख़त्म। तो अभी मैं इसका काम करने वाला हूँ, इसको बोलता है स्टेटर। तो अभी ये नया चीज़ लगा दिया हूँ, अभी इसका सर्विसिंग हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सर्विसिंग अभी करना ही पड़ेगा, ऑफ टाइम है। तो अभी ये सर्विसिंग होने के बाद में पत्ती जब आएगा तब ये चलेगा। अभी इसको ठीक ठाक करना पड़ेगा, अभी इसका काम मैं करूँगा। और उधर फिटर डिपार्टमेंट का आदमी भी लगा हुआ है काम में। ये हमारा सीनियर है। तो गुरुजी, हम लोगों का जो मोटर स्टार्टर जो फैक्ट्री का सर्विसिंग का काम है, वो कब तक ख़त्म हो जाएगा? देखता है 10 तारीख तक। गुरुजी बोल दिया है 10 तारीख तक ख़त्म करना पड़ेगा। ये देखिए कितना बड़ा बड़ा मोटर है। अरे इसको घुगी बोलता है। इस चापत्ती का जो आकृति है उसको लाता है, आकार है जो, ये सब सब पेंटर है, फैक्ट्री में पेंट कर रहा है। और इसमें थोड़ फोड़ का काम चल रहा है। हम लोग का यहाँ बिहारी बाबू है, इसके पास बार बार में आने में बहुत मज़ा आता है। क्या नाम है आपका? पवन प्रसाद। पवन प्रसाद, कितने साल से कर रहे हैं ये फैक्ट्री में काम आप? 10 साल हो गया। 10 साल? अच्छा, देखिए थोड़ा इधर देखिए, कैमरा की तरफ देखिए। अच्छा, नाम है इसका पवन प्रसाद, बिहारी बाबुआ है। तो ये यहाँ अभी कुछ नया मशीन बैठेगा तो इसका तोड़ फोड़ कर रहा है ना? हाँ। चल रहा है काम। इधर देखा, इधर थोड़ा देखा क्या बन रहा है। मेरा फ्रेंड लोग देख सकता है,
ये क्या बन रहा है? स्टेटर, मोटर स्टेटर, बहुत बिजली का काम है, बहुत खतरनाक। ये सर्विसिंग पूरा हो गया दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इधर बिजली का तार लगा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, hey, तुम लोग क्या कर रहा है? ये डायर है, डायर। वो ऊपर में हम लोगों का वर्कर लोग काम कर रहा है, वो मामा जी भी बैठा है ऊपर में। कुछ कहना है मामा जी, क्या बना रहा है? टायर का चुंगी लगा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद में जो ये फैक्ट्री का नजारा देख सकते हैं, काम कर रहा है अभी। पूरा फैक्ट्री ऑफ सीजन है, सब खोल खाल के रखा है, मशीन सब सर्विसिंग टाइम है, सर्विसिंग कर रहा है। ए तुम लोग क्या कर रहे है? क्या काम कर रहा है? ये लोग कलर कर रहा है। ये मेरे पीछे देख सकते हैं दोस्तों, ये ट्रैप है जो कच्चा बगान से चाय पत्ती आएगा उसको यहाँ रखता है वेदरिंग करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे से आप लोगों को दिखाते हैं कैसे है ट्रैप वगैरह, ठीक है। ये देखते हैं दोस्तों, इसमें ये ट्रैप है, इसमें पत्ती आएगा तो रखेंगे। तो बहुत सारा ट्रैप है, बहुत सारा आता है पत्ती, ठीक है। थोड़ा उधर भी चलते हैं, क्या क्या है देखते हैं। ये हम लोगों का बगान का ट्रैक्टर, हम लोगों का बगान का ट्रैक्टर है। उधर भी ट्रैप है, दोस्तों आज के लिए इतना ही। पार्ट वाइज मैंने दिखा दिया थोड़ा थोड़ा आप लोगों को, और भी बहुत कुछ है दिखाने के लिए फैक्ट्री में, वो भी दिखाऊंगी बाद में, और एक वीडियो डालूंगा मैं तो। और भी देखने लायक बहुत चीज़ है फैक्ट्री में, अभी थोड़ा बहुत ही दिखाया। आज मैं क्या काम करता हूँ वो भी आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो में बने रहिएगा आप लोग, और मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और जो भी नया है मेरा नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि नया वीडियो आने से आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, खुश रहिएगा, अच्छा रहिएगा।